सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्र नेताओं ने प्रयागराज में एग्जामपुर कोचिंग के संचालक विवेक कुमार पर निशाना साधा है। छात्रों का आरोप है कि ये वायरल वीडियो उस विवेक कुमार का है जो छात्रों को नैतिकता और सादगी का पाठ पढ़ाता है और खुद हाथों में असला लेकर ट्रैक्टर के ऊपर डांस करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करता है। वो असलहा लहराते हुए दिन दहाड़े इस भारत देश में वीडियो जारी करता है। क्या वह अलकायदा का मेंबर है, क्या वह आतंकवादी है, उसकी जांच की जाए, उसमें भी उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए, जैसे राहुल सिंह परिहार के साथ हुई। इधर विवेक कुमार ने वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया से दूरी बना ली है। विवेक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस को सफाई देते हुए लिखा कि ये उसके खिलाफ दुर्भावना से ग्रस्त होकर एक तरह का प्रचार किया गया है जो उस पर दबाव बनाकर केस वापस लेने की मंशा से किया जा रहा है। विवेक ने लिखा कि इस संबंध में मेरे लिए ये बताना महत्वपूर्ण है कि ये घटना बहुत पुरानी है। इसमें कथित बंदूक एक खिलौना मात्र है जो लकड़ी से बनी हुई है। अब वो खिलौना भी मेरे पास नहीं है और उत्सव के दौरान पास खड़े किसी व्यक्ति ने इसे मुझे सौंप दिया था। उक्त बंदूक अब अस्तित्व में नहीं होगी क्योंकि ये एक खिलौना मात्र था जो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया था। विवेक अग्रवाल ने ये भी कहा कि उस वीडियो के प्रसारित होने का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि उपरोक्त FIR की विवेचना के दौरान है तथा विवेचना को बाधित करने के उद्देश्य से वायरल किया गया है। उपरोक्त वीडियो एक निगेटिव जनमत के लिए फैलाया गया है जिसमें विवेचना बाधित हो जाए। उपरोक्त FIR मेरे द्वारा दर्ज कराई गई थी और वास्तविक दोषी मेरे खिलाफ ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं ताकि मैं अपनी शिकायत वापस लेने के लिए उसके दबाव के आगे झुक जाऊं। इस संबंध में UP राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ने मुझे सुरक्षित महसूस करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जानकारी में वास्तविक अपराधियों को सामने लाने की मदद की है। यद्यपि संबंधित घटना काफी पुरानी है और क्योंकि संबंधित घटना के दौरान उद्योग हस्ताक्षरी को ये तक नहीं पता कि इसका उपयोग इस तरह से किया जाएगा, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से याद करना मुश्किल है। परंतु अध्यक्ष हस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपयुक्त वीडियो फरवरी 2021 के आसपास बुलंदशहर का है। कानून के दायरे में रहने वाले एक व्यक्ति के नाते ये भी कहना महत्वपूर्ण है, कानून परिवर्तन एजेंसियों द्वारा अपेक्षित कोई भी अतिरिक्त सहायता मेरे द्वारा विधिवत प्रदान की जाएगी और मुझे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की सहायता करने में कोई झिझक नहीं है। विवेक इसमें ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये उनकी फरवरी 2021 के आसपास का वीडियो है, लेकिन उनके हाथ में असला नहीं बल्कि एक खिलौना है। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।